हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसके एनसीएल वाले क्वेश्चन पेपर में हमने 1 से 15 तक क्वेश्चन अटेंड किए थे। इस वाले पार्ट में हम 16 से लेकर 44 तक क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। और इसका अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो मैंने इसका पार्ट वन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, ताकि आप वहां से इसका पार्ट वन आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ में क्या डाउट था। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 16, क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल डाया एंड अ डाया ऑफ कार्टेज ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी एटलीस्ट, यानी कि ड्रिल डाया और एक्सप्लोसिव के कार्टेज जो होता है, इनके डाया का बीच का डिफरेंस कितना होता है? तो ए 30 सेंटीमीटर, बी है 0.3 मीटर, एंड सी है 0.3 सेंटीमीटर, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, रिक्लेमेशन एज पर सी एम आर 2017 मीन्स, यानी कि रिक्लेमेशन का अर्थ होता है 2017 के अनुसार, ए फिलिंग ऑफ वाइट, बी है रिक्लेमेशन बाय बैक फिलिंग ओनली, सी है डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, एंड डी है रिक्लेमेट बाय बैक फिलिंग और बाय एनी अदर मीन्स। तो इसका आंसर है डी, रिक्लेमेशन को किसी भी तरीके से भरना और उसे बैक फिलिंग करना होता है। इसे आप रेगुलेशन नंबर 107 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट इन इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस इन केस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ गैसनेस शैल बी, यानी कि अगर वेंटिलेशन कनेक्शन में लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री गैसनेस वाले सिम के, तो वहाँ पर लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में एयर की जो स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो ए लेस दैन 30 मीटर पर मिनट, बी है मोर दैन 30 मीटर पर मिनट, सी है मोर दैन 30 मीटर पर मिनट बट लेस दैन 45 मीटर पर मिनट, डी है नॉट लेस दैन 30 मीटर पर मिनट। तो इसका आंसर है डी, नॉट लेस दैन 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द बेडवेल टेम्परेचर एक्सीड 30.5 डिग्री इन एनी वर्क प्लेस देन स्पीड ऑफ एयर करेंट शैल बी, यानी कि अगर कहीं पर वर्क प्लेस पर यदि जो टेम्परेचर अवेलेबल टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर एयर की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो ए लेस देन 0.5 मीटर पर सेकेंड, बी है मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड, सी है नॉट मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड, एंड डी है नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मिनिमम 30 मीटर पर मिनट होना चाहिए। अब रेगुलेशन नंबर 153 में के सब रेगुलेशन 2 के डी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन एवरी मैन वेयर मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यून द माइंस द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर एट लीस्ट, यानी कि अगर माइंस में मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर का यूज किया जाता है तो वहाँ पर एयर की जो क्वांटिटी है कितने समय में न्यूनतम नापी जानी चाहिए? ए वंस इन अ वीक, सी ट्वाइस इन अ वीक, एंड सी है वंस इन 14 डेज, एंड डी है वन इन 30 डेज। तो इसका आंसर है सी, वंस इन 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 21, एनालिसिस ऑफ अ सीओ फॉर्मेट अपॉन O2 ऑब्जर्वेड ऑफ एवरी डिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट और गो विच इज नॉट आइसोलेटेड शैल बी डन एट लीस्ट, यानी कि प्रत्येक डिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट जो गोप से अलग नहीं किए गए हो, तो वहाँ पर जो सीओ रेशियो है, CO अपॉन O2 का जो रेशियो है, तो इनका एनालाइज कितने समय में किया जाना चाहिए? तो ए इन 13 डेज, बी वंस इन 14 डेज, सी है वंस इन 16 डेज, एंड डी है नन ऑफ दी हो। तो इसका आंसर है ए, वंस इन 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 22, एल अनयूज्ड वर्किंग विच हैज नॉट बीन सील्ड ऑफ शैल बी इंस्पेक्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन हाउ मेनी डेज, यानी कि जहाँ खदाने अप्रयुक्त यानी कि यूज नहीं हो रही है पर जिन्हें सील नहीं किया गया का निरीक्षण सक्षम व्यक्ति द्वारा वहाँ पर इन्फ्लेमेबल गैस एंड
राक्षस गैसक की उपस्थिति की जांच न्यूनतम कितने समय पर की जानी चाहिए? तो ए 10 days, बी 14 days, सी 13 days एंड डी है नॉन ऑफ दी अबाव। तो इसका आंसर है डी, नॉन ऑफ दी अबाव। क्वेश्चन नंबर 23। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ अ माइंड प्लान स्केल हैविंग आरएफ, यानी कि माइंड का प्लान जो है उसका आरएफ कितना होता है? ए 2000:1, बी है 1000:1, सी है 5000:1 एंड डी है 2000:1 और 1000:1। तो इसका आंसर है डी 2000:1 और 1000:1। क्वेश्चन नंबर 24। ग्रेडियंट ऑफ अ हॉल रोड इन ओपन कास्ट वर्किंग शैल नॉट एक्सीड, यानी कि ओपन कास्ट माइंड में वो हॉल रोड का ग्रेडियंट निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ए 1:14, बी है 1:16, सी है 1:1.5 एंड डी है नॉन ऑफ दी अबाव। इसका आंसर है डी 1:16। क्वेश्चन नंबर 25। फुल फॉर्म ऑफ अ पीपीई, यानी कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? ए पार्ट्स पर इक्विपमेंट, बी है पीरियोडिक पर्सनल इक्विपमेंट, सी है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड डी है पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो इसका आंसर है डी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 26। नोटिस ऑफ आवर वर्क एज पर माइंड रूल्स शैल बी, यानी कि माइंड के नियम के अनुसार कार्य की घंटे की सूचना किस फॉर्म में दी जानी चाहिए? तो ए फॉर्म ए, बी फॉर्म बी, सी फॉर्म सी एंड डी है फॉर्म डी। तो इसका आंसर है ए फॉर्म ए में। क्वेश्चन नंबर 27। वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंटेड इज डन एवरी माइंड व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इज ए 1000 और मोर, बी है 1500 और मोर, सी है 500 और मोर एंड डी है 100 और मोर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 26 यानी कि 500 पर और इससे अधिक व्यक्ति पर वेलफेयर ऑफिसर आपका नियुक्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। वेलफेयर इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड ऑफ एवरी माइन एज पर माइन रूल्स व्हेन ए 500 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, बी है मोर देन 500 बट लेस देन 1000 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, सी है मोर देन 1000 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड एंड डी है 500 पर्सन और मोर पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 500 या उससे अधिक व्यक्ति पर अगर नियोजित हो तो वहाँ वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। फ्लोर स्पेस ऑफ फर्स्ट एड रूम शैल बी, यानी कि फर्स्ट एड रूम का जो एरिया होगा वह कितना होना चाहिए? ए लेस देन 10 square meters, बी है मोर देन 10 square meters, सी है नॉट मोर देन 10 square meters एंड डी है नॉट लेस देन 10 square meters। तो इसका आंसर है डी नॉट लेस देन 10 square meters। क्वेश्चन नंबर 30। इक्विपमेंट स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल एज पर माइंड रूल शैल बी केप्ट इन फर्स्ट एड रूम, यानी कि फर्स्ट एड रूम में रखे गए हुए जो उपकरण होंगे वह माइंड रूल के किस सूची के अनुसार होंगे? ए फर्स्ट शेड्यूल, बी सेकेंड शेड्यूल, सी है थर्ड शेड्यूल एंड डी है फोर्थ शेड्यूल। तो इसका आंसर है बी सेकेंड शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 31। प्रोविजन ऑफ कैंटीन एज पर माइंड रूल इज अप्लाइकेबल इन माइंड व्हेन ए मोर देन 500 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, बी है लेस देन 500 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड, सी है मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड एंड डी है लेस देन 250 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर है सी मोर देन 250 पर्सन आर ऑर्डनरी एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 32। इंजरी ऑफ अ साइड हियरिंग इज व्हाट टाइप ऑफ इंजरी, यानी कि साइड का लॉस हुआ है और हियरिंग का लॉस हुआ है तो इस प्रकार की इंजरी किस प्रकार के में आएगी? ए माइनर इंजरी में आएगी, बी रिपोर्टेबल इंजरी, सी है मेजर इंजरी एंड डी है सीरियस बॉडली इंजरी। तो इसका आंसर है डी सीरियस बॉडली इंजरी। क्वेश्चन नंबर 33। अ पर्सन एज पर माइंस एक्ट 1952 इज सेड टू बी अडल्ट व्हेन कंप्लीटेड, ए 18 years, बी 20 years, सी 22 years एंड डी है 30 year। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कोई व्यक्ति वैसे कब माना जाएगा जब वह 18 साल का हो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34। रिपोर्टेबल ऑफ पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन पीएमई इज मेंटेन, यानी पीएमई को किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता है?
ए फॉर्म ओ, बी फॉर्म पी, सी फॉर्म क्यू एंड डी है फॉर्म एम। तो इसका आंसर है ए फॉर्म ओ में। क्वेश्चन नंबर 35, वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्टेड इज मेंटेन, यानी वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट किसे मेंटेन करता है, ए फॉर्म के में, बी फॉर्म यू में, सी फॉर्म जे में एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बी फॉर्म यू में वर्कमैन इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 36, पार्टिंग लेफ्ट बिटवीन एनी टू सीम्स अवर सेक्शन इन केस ऑफ अ मल्टी सेक्शन एंड कंटिग्यूस वर्किंग शैल नॉट बी, यानी कि अगर हमें मल्टी सेक्शन या दो सीम चलानी है तो उनके बीच हुई पार्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो उनके बीच जो बची हुई पार्टिंग होनी चाहिए कितनी से नहीं होनी चाहिए। तो ए मोर देन 9 मीटर थिकनेस, बी है मोर देन 3 मीटर थिकनेस, सी है लेस देन 9 मीटर थिकनेस एंड डी है लेस देन 3 मीटर थिकनेस। तो इसका आंसर है डी लेस देन 3 मीटर थिकनेस होगी तो हम वहाँ पर पार्टिंग जो है वहाँ पर हम काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग नो वर्किंग शैल बी मैंड विद इन व्हाट डिस्टेंस ऑफ अ बाउंड्री ऑफ एनी माइन, यानी कि ओपन कास्ट माइन में किसी माइन की सीमा से दूरी पर कितनी दूरी पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, ए 9 मीटर, बी है 8 मीटर, सी है 6.5 मीटर एंड डी है 7.5 मीटर। तो इसका आंसर है डी 7.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, इन केस ऑफ अ मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग कंटिन्यूस कंसिस्टिंग ऑफ एलिवल सॉइल क्ले द हाइट ऑफ वेंचर शैल बी, अगर मैकेनाइज ओपन कास्ट माइन में अगर मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी से निहित हो तो बेंच की ऊंचाई कितनी होगी मिट्टी पर, ए मोर देन विड्थ ऑफ द बेंच, बी है नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, सी है इक्वल टू बूम हाइट ऑफ अ मशीन एंड डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर, यानी कि अगर मिट्टी है वहाँ पर तो बेंच की जो हाइट होगी वहाँ 3 मीटर से अधिक नहीं होगी, अधिकतम 3 मीटर होगी यानी उससे अधिक नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 39, विद तीन व्हाट डिस्टेंस ऑफ एनी हॉलेज रोड ट्रामा लाइन रेल लाइन और हॉल रोड फेंसिंग शैल बी प्रोवाइडेड वेयर ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड, यानी कि किसी माइंस के नज़दीक में अगर रेलवे लाइन ट्रम लाइन ये अगर इमारतें हो तो वहाँ से कितनी दूरी पर फेंसिंग की जाएगी, तो ए 12 मीटर, बी है 40 मीटर, सी है 15 मीटर एंड डी है 20 मीटर। तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40, नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड इन एन अंडरग्राउंड माइंस वेयर अ ग्रेडियंट ऑफ अ ट्रैक्स, यानी कि लोकोमोटिव का उपयोग कितने ग्रेडियंट पर नहीं किया जाएगा, ए 1:12, बी 1:13 एंड सी है 1:14 एंड डी है 1:15। तो इसका आंसर है डी 1:15, अगर वहाँ का ग्रेडियंट है तो वहाँ पर लोकोमोटिव हॉलेज का यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, एवरी हॉलेज रोप विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी कि जो हॉलेज रोप है कैप की हुई है तो उसे कितने समय अंतराल पर रिकैप किया जाएगा, ए 1 मंथ, बी है 3 मंथ, सी है 6 मंथ एंड डी है 12 मंथ। इसका आंसर है सी 6 मंथ पे किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 42, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे शैल हैव हाइट, यानी कि ट्रेवलिंग रोडवे की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो ए नॉट लेस देन 2.4 मीटर, बी है नॉट मोर देन 1.8 मीटर, सी है नॉट लेस देन 1.8 मीटर एंड डी है नॉट मोर देन 2.4 मीटर। तो इसका आंसर है सी नॉट लेस देन 1.8 मीटर, यानी कि ट्रैवलिंग रोडवे की हाइट कहीं पर भी 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी इन शाफ्ट इज यूज्ड, यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी का यूज शाफ्ट में क्यों किया जाता है, ए टू प्रिवेंट ओवर स्पीड, बी है टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग एंड सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, यानी कि यहाँ जो ओवर स्पीडिंग को भी बचाता है एंड ऑटोमेटिक कंट्रोवर्सी को भी बचाता है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्टेंस बिटवीन टू इंक्लाइंस आवर आउटलेट एज अ मीन्स ऑफ इंग्रेंस आवर एग्रेस शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि जो हमारा इंक्लाइन है और आउटलेट से तो इनमें दोनों इंक्लाइन आउटलेट्स के बीच की जो दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, ए 16 मीटर, बी है 16.5 मीटर, सी है 13 मीटर एंड डी है 30.5 मीटर। तो इसका आंसर है डी 13.5 मीटर, यानी कि दो इंक्लाइन के बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो 13.5 मीटर से
कम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।